दिल्ली में ये जो गार्बेज के जो माउंट्स बन गए हैं, ये बहुत बड़ा इशू है और डेफिनेटली बैड ऑर्डर और जो इसके जो पार्टिकल्स वगैरह जो फ्लाई हवा में करते हैं एटमॉस्फेयर में, वो पोल्यूशन का सोर्स भी है। तो ये इसको सॉल्व करना असेंशियल है। वी कैन नॉट अलाउ इट टू कंटिन्यू लाइक दिस। तो अब जो भी इतना बड़ी सिटी का अगर गार्बेज निकलेगा, तो उसको तो हम ओपन एरिया में डंप कहीं भी करेंगे तो ये सेम सिचुएशन हो जाएगी। तो इसलिए हमें, जैसे हमने वेस्ट डिस्पोजल ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है, इसी तरह से हमें और ट्रैश डिस्पोजल ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाना पड़ेगा। और उस टाइप की करीब 50 एकड़ 100 एकड़ जगह हमें जहाँ जहाँ अवेलेबल हो और उसको एक्वायर करके, और ये हमें बनाना चाहिए और अंडरग्राउंड उसको हमें तैयार कर लेना चाहिए, गोडाउन टाइप, मे बी 100 मीटर्स डीप, लाइक माइंस। और उसको फिर हमें जो है उसके अंदर पोर्टेबल जो कंटेनर्स हैं, प्लास्टिक के हों जिसमें रस भी नहीं लगेगा, या एल्युमिनियम के हों, और वो बड़े बड़े से 10 फीट साइड के क्यूबिकल्स हों, या 6 फीट साइड के क्यूबिकल्स हों, उनके अंदर ये ट्रैश, बाहर का जो ट्रैश है, और उसको हम एक्यूमुलेट कर दें और ऐसे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बॉक्सेस हम वो स्टैक कर देंगे। और फिर उसके बाद उसके जो टाइम पीरियड होगा जिसमें वो फर्मेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम स्टेजेस बना देंगे उनकी, स्टेज 1 2 3 4 लाइक दैट, 10-20 स्टेजेस। तो जो जितना ज़्यादा पुराना होगा, फिर हम उनको एवैक्यूएट करके और देश संग से साइकिल बन जाएगा। और फिर उनको जो हम बॉक्सेस को बाहर निकालेंगे जो फर्मेंट हो चुके होंगे, उनको फिर हम जो है और ट्रैश डिस्पोजल प्लांट में ले जाएंगे और वो प्लांट के अंदर वाटर रिजर्वायर्स वगैरह में डाल के उसको हम वेट कर लेंगे, उसमें डिजॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद फिर आगे का जो स्टेप्स होंगे उसको फिर ड्राई करके, वो जैसे जो वेस्ट को हम ड्राई करते हैं जो सीवरेज को, उसी ढंग से वो वाटर को उम करके फिर, और वो जो उसका फिर जो रिमेंस बचेंगे उसको फिर हम उनको वेरियस स्टेप्स में और फर्टिलाइजर्स कुछ मिक्सिंग करके कुछ फर्टिलाइजर बना लेंगे, और कुछ सॉलिड जो इस टाइप के जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें नहीं होंगी उनको हम एज ए सॉलिड कंप्रेस करके और सॉलिड पैलेट्स या ब्रिक्स टाइप बना के, और उनको हम जो है रोड्स में और बाकी स्ट्रक्चर्स में जहाँ पॉसिबल हो वो हम कंसिडर करके उसको भी यूज़ कर लेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल वो सब फिज़िकल मटेरियल है। तो वो इस ढंग से हम उसे कोई मिक्सिंग करके हम जहाँ पे हाई स्ट्रेंथ वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है और जस्ट और एक बिल्डअप स्ट्रक्चर बनाना हो, तो वहाँ उस ढंग से हम उनको हम ट्राई कर सकते हैं। तो दिस इज़ ए मैटर ऑफ ट्राई टेस्टिंग एंड डिज़ाइनिंग। तो इसको इसी ढंग से ही करना चाहिए। ट्रैश को ओपन के अंदर ये रखना, चाहे वो दिल्ली के अंदर हो या दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे हो या कहीं भी हो, और इसी तरह से फिर हमें बाकी सिटीज़ को भी हमें ये स्टडी कर लेना चाहिए कि उनका जो ट्रैश वगैरह है, इस टाइप के माउंट्स बनते हैं, क्या होता है। तो कुछ आइडियाज़ हम वहाँ से भी ले सकते हैं। तो इसके एक छोटी सी 2 आदमियों की या 4 आदमियों की टीम बना के एक्सपर्ट्स की, और इसको स्टडी करें और अपनी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए, तो जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है ये, इस आइडिया को, और फिर बाद में और एज ए स्टार्टअप और ये ट्रैश डिस्पोजल बिल प्लांट, चाहे वो पब्लिक गवर्नमेंट पब्लिक पार्टनरशिप में बन जाए
चाहे वो प्राइवेट बन जाए, तो इस ढंग से बनाया जा सकता है एंड इस ढंग से वो सभी सिटीज़ की, दिल्ली सिटी और बाकी सब सिटीज़ की समस्या को परमानेंटली सॉल्व कर सकता है। और लैंड जो है इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट दे देगी, और वो जिस ढंग से वो 100 acres और 50 acres और जैसे ऐसे भी 2-3 जगह पे जहाँ जहाँ पॉसिबल हो, और जहाँ जहाँ वेस्ट डिस्पोजल प्लांट्स हैं उनके नियर बाई अगर जगह है तो वो प्रेफर करके, तो इस ढंग से इसको बनाया जा सकता है। और अगर किसी जगह पे इस टाइप की जगह नहीं है तो फिर वो इवन रिवर बेड्स के अंदर और इस टाइप के और सील्ड और जो सीमेंटेड कॉलम्स बन सकते हैं बड़े बड़े से 50 meters और सो, और उन कॉलम्स के जो स्पेस है उसके अंदर फिर हम इसी टाइप के और कंटेनर्स रख सकते हैं। तो इवन बिकॉज रिवर बेड इज़ ऑलरेडी डीप, तो जो डीपर एरियाज हैं वहाँ पे हमें कोई डिगिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, एक्सपेंसेस भी बचेंगे और वो हम वहाँ पे भी हम इस टाइप के बॉक्सेस को स्टोर कर सकते हैं बाय द चेन्स बाय द क्रेन्स, और नीचे हम रख सकते हैं, फिर जैसे जैसे भी वो फॉर्मुलेशन हो जाए वहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो इवन रिवर बेड स्पेसिस कैन बी यूज, और उससे जो रिवर जो ड्राई हो जाती हैं और रिवर के एरिए को वो डिक करना, डीप ये डिक करना ईजियर है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पानी है, तो ये भी एक अच्छा आइडिया है। जैसे यमुना रिवर है उसके अंदर हम 3-4 जगह और बड़े बड़े इस टाइप के पिट्स, सील्ड पिट्स, सीमेंटेड पिट्स बना सकते हैं, और उसके अंदर हम कंटेनर्स, प्लास्टिक कंटेनर्स, सिंथेटिक मटेरियल के कंटेनर्स हम उसके अंदर पैशेज के रख सकते हैं। सो दिस आइडिया ऑल्सो कैन बी स्टडीड एंड पुट इन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट एज टू वेयर द स्पेस फॉर द ट्रैश ट्रीटमेंट, ट्रैश स्टोरेज कैन बी फिजिबल। तो ये मेरा सजेशन है। सो आई एज ए रिटायर्ड मैकेनिकल इंजीनियर कीप ऑन थिंकिंग अबाउट द न्यू आइडियाज फॉर द सॉल्यूशंस टू द इशूज, एंड देर आर स्कोर्स ऑफ ideas I have already put, my book is already there which is going to be published on Amazon KDP for the benefit of globe, and the book the title is, my world book series is there, so this is the world book series of ideas and inventions, and this world book series is part number 4, so world book series on ideas and inventions part 4, so this is in the final stages, it is having scores of ideas which will benefit the humanity and globe and the Mother Earth and the atmosphere. So my email ID is skjainial@yahoo.co.in. I again repeat, skjainial@yahoo.co.in. So please share your views and whatever possible, I will keep on contributing to the society, whatever I have learned, whatever I have gained. And this will go till my last breath. That is now my aim, objective of remaining life as a senior citizen. Thank you very much.